बच्चों, आज हम 12th के सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है इवोल्यूशन। इससे पहले जो है दो चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा जो चैप्टर था वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो चैप्टर हम सब क्लियर कर चुके हैं, तो आज उसका जो है थर्ड यानी कि लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, और वो लास्ट चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन। तो सबसे पहले इवोल्यूशन का हम डिफिनेशन देखते हैं। ये हमारा सेवेंथ चैप्टर हो गया 12th का। डिफिनेशन क्या है? चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जेनरेशन। तो इस डिफिनेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इवोल्यूशन का रियल मतलब क्या है। जैसे इवोल्यूशन कहते होंगे तो आपके दिमाग में फट से आता होगा कि बंदर से आदमी बन गया, इवोल्यूशन है ना। बट सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इसको और थोड़ा सा हम कुछ लॉजिक से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है हमारा पूरी तरीके से ये क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट जो है इसका। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत छोटे थे, क्लियर? तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आप में बहुत सारे चेंजिंग आ रहे हैं, आप और बड़े होंगे और चेंजिंग आएंगे। तो ये जो बदलाव है, ये चेंजिंग है, क्या इसे भी इवोल्यूशन कहेंगे? नहीं, इसे इवोल्यूशन नहीं कहेंगे। तो इवोल्यूशन है क्या, इसको देखिए एकदम सिंपल फॉर्म में आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है? इसके बाद सेकेंड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया, ऐसे आते आते 100 भी हो सकता है या 1000 भी हो सकता है। नहीं होगा, होगा ये जनरेशन। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर था, और ये हजारवें जनरेशन, 1000th ऑफ जनरेशन में जो कैरेक्टर आया, आपको नहीं लगता कि कैरेक्टर चेंज हुआ है, बदला है ना? तो ये जो हर एक जनरेशन में चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, इसको कहते हैं वेरिएशन। क्लियर? जैसे इस जनरेशन से इस जनरेशन को कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंजिंग आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम चेंजिंग मिलेगा। तो उसको हम नहीं कह देंगे कि इवोल्यूशन हो गया तुरंत, उसे क्या कहेंगे? वेरिएशन। लेकिन यही वेरिएशन अगर बहुत लंबे जनरेशन तक आगे बढ़ते जा रहा है, तो बहुत सारे कैरेक्टर में बदलाव आ जाएगा, बहुत सारे चेंजिंग आ जाएंगे, और तब हम उसे क्या कहेंगे? इवोल्यूशन। यानी कि इवोल्यूशन होने में समय लगता है, टाइम लगता है। वेरिएशन अगले जनरेशन में भी दिख सकता है, लेकिन इवोल्यूशन तुरंत नहीं दिखता है। उसको देखने के लिए जो है आपको कई जनरेशन तक का वेट करना पड़ता है, तब जाकर इवोल्यूशन होता है। बात आ रही है इसमें में? तो अगर हम ये कहें वेरिएशन और इवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, तो वेरिएशन जो है वो रॉ मटेरियल है जिससे इवोल्यूशन होता है। आप कह सकते हो कि बहुत लंबे समय तक वेरिएशन आने से इवोल्यूशन होता है, ये चीजें। चलिए, तो हमें लगता है आप क्लियर कर चुके हैं इवोल्यूशन का डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे इवोल्यूशन जो हुआ, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का अलग अलग थ्योरी था, अलग अलग कॉन्सेप्ट था, है ना, जिसमें बहुत सारा ओल्ड थ्योरी है जिसपे नाउ अडे हम बिलीव नहीं करते, बट उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अगर हम ये देखें कि यूनिवर्स कब बना, है ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग डेटा कलेक्ट करके ये जानकारी जुटाई है। तो हमें बस ये जान लेना है कि यूनिवर्स कब आया। तो ये 20 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, ये यूनिवर्स। अगर इस यूनिवर्स से अर्थ के बनने की बात करें, तो अर्थ का ओरिजिन हुआ था ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, इस टाइम अर्थ बन के तैयार हो गया था, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें लाइफ का ओरिजिनेट कब हुआ था, ओरिजिनेशन, है ना, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम ये नहीं कहेंगे कि लाइफ बन ही गया था, मतलब उसकी इनिशिएशन, शुरुआत हुई थी बनना कब, 4 बिलियन ईयर्स अगो, इस टाइम जो है वो लाइफ बनना शुरू हुआ था, इनिशिएट हुआ था। बात आ रही है सही में? तो ये आपने देखा कि यूनिवर्स कब बना, अर्थ कब बना, और लाइफ का ओरिजिन का जो शुरुआत था, इनिशिएशन था, वो कब हुआ। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि ये बन के तैयार हो गया था, ये बस ये शुरू हुआ था बनना लाइफ इस टाइम, है ना। अब देखिए, इसके बाद हम जानते हैं कुछ थ्योरी जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है, और वो पूरी तरह से रिलीजियस बिलीफ्स पे है, या आप खुद ही देखो किस तरीके का है, आप इसको समझने की कोशिश करो। जैसे पहला हम दिखाते हैं, बताते हैं आपको। पहला है
स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। फर्स्ट जो थ्योरी है वो क्या है, स्पेशल क्रिएशन। तो स्पेशल क्रिएशन जो थ्योरी है, इस थ्योरी में क्या बताया गया है, इस थ्योरी में बताया गया है कि फादर सुआरेज जो है ना, इसमें दो अलग अलग थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन में। जैसे अगर बाइबिल के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, तो बाइबिल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि फर्स्ट जो मैन है ना, उसका नाम क्या था, एडम, और फर्स्ट जो वुमेन थी इसका नाम क्या था, ईव। तो ये बाइबिल के अकॉर्डिंग, बाइबिल में चैप्टर है जिसे हम कहते हैं जिनेसिस, और इसी जिनेसिस चैप्टर में है कि सबसे पहला जो आदमी है वो क्या है, एडम, और सबसे पहली जो स्त्री है वो क्या है, ईव, है ना। और इसी तरीके से जो है वो ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, फिर दूसरे बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ, समुद्र का डेवलपमेंट हुआ, कीड़े मकोड़े बने, सबको ये कहा गया कि नहीं, सब ऐसा नहीं है कि सब चेंज होने से बना है, सबका ओरिजिन अलग अलग तरीके से हुआ है ना। जैसे बर्ड्स को बनाया गॉड ने, सुप्रीम पावर ने या स्पेशल क्रिएशन ने, और फिर फ्लावर को बनाया, प्लांट्स को बनाया, इस तरीके से बताया गया। उसमें ये नहीं बताया गया कि नहीं सबसे पहले माइक्रोब्स आए होंगे, फिर उसमें चेंजिंग आया होगा तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए होंगे, फिर टेस्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनमें आया होगा, फिर ऑर्गन डेवलप होगा, इस तरीके से नहीं। उसे बताया गया कि नहीं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म सेम टाइम में डेवलप कर दिए गए, ठीक है। तो ये था बाइबिल के अकॉर्डिंग। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें, तो हिंदू माइथोलॉजी में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने क्या कहा, ब्रह्मा ने ये कहा कि सबसे पहला जो आदमी बना, बनाया गया ब्रह्मा के द्वारा, बनाया गया, कहा नहीं गया बल्कि ब्रह्मा ने ही बनाया, पहला जो आदमी था उनका नाम क्या था, मन्नु, है ना। और पहली स्त्री जो इन्होंने बनाया, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन मन्नु, और फर्स्ट जो वुमेन थी वो क्या थी, श्रद्धा, ठीक है, ऐसा बनाया गया ब्रह्मा के द्वारा, है ना। तो ये देखा कि स्पेशल क्रिएशन जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से जो है वो रिलीजियस बिलीफ्स पे बेस्ड है, है ना। इसके बाद हम दूसरा थ्योरी देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा थ्योरी क्या है, दूसरा थ्योरी जो है वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना, या फिर इसको और क्या कहते हैं, अबायोजिनेसिस, क्लियर, या इसका एक और नाम है ऑटोजिनेसिस, बात आ रही सेमी। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अबायोजिनेसिस और ऑटोजिनेसिस, ये जो थ्योरी के सपोर्ट में जो लोग थे वो थे एपिक्यूरस, और थे अरिस्टोटल, है ना, और थे वॉन हेलमोंट, यही सब लोग थे जो इस थ्योरी के बहुत सपोर्ट में थे। कौन थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको अबायोजिनेसिस या ऑटोजिनेसिस कह रहे हैं ना। ये थ्योरी का कहना क्या है, ये थ्योरी का कहना है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, यानी कि लाइफ जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है, नॉन लिविंग थिंग से, खुद ब खुद सेल्फ डेवलप हो गया है, खुद से डेवलप हो गया है, क्लियर। जैसे एग्जांपल इन्होंने क्या क्या दिया भाई, थोड़ा ये भी देखिए, एग्जांपल इन्होंने दिया कि जैसे मड ऑफ नाइल रिवर, है ना, यानी कि नील नदी का जो कीचड़ है, इससे क्या हो गया, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, बात समझ में रही है। इसके अलावा हेयर ऑफ व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स के हेयर से क्या, गॉर्डियस डेवलप हो गया, गॉर्डियस जो है वो भी है, छोटा ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा जो हमारे हेलमोंट थे, इन्होंने तो इतना तक कह दिया कि अगर एक शर्ट ले लो, और ये शर्ट मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहना हुआ हो, इसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो, पसीना हो, और इसके साथ वीट गेहूं है ना को मिला दो, और इसको 21 दिन तक छोड़ दो, कितने दिन तक, 21 दिन तक, और ऐसा होने से चूहा का निर्माण हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ये चीज है कि अगर चूहा अनाज को खुला छोड़ दोगे और ये शर्ट उसके छिपने का जगह भी हो जाएगा,
तो चूहा आराम से बाहर से आ सकता है ना, बनेगा तो नहीं लेकिन बाहर से आ जाएगा। तो ये था अस्पोटेनियस जनरेशन या अबायोजेनेसिस, या जिसको हम लोग ऑटोजेनेसिस कह रहे हैं, जहाँ पे ये बताया गया कि नॉन लिविंग थिंग से खुद ब खुद जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। तो पहला थ्योरी आपने देखा स्पेशल क्रिएशन का, और दूसरा देखा स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, है ना। तीसरा जो थ्योरी है, ये थ्योरी कौन सा है, ये है बायोजेनेसिस, ठीक है ना। बायोजेनेसिस जो थ्योरी है वो इसको डिस्प्रूव करता है, किसको, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को या अबायोजेनेसिस को, इसको डिस्प्रूव करता है कि नहीं नॉन लिविंग थिंग से ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं हुआ। हालांकि बायोजेनेसिस भी ये नहीं बता पाया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, लेकिन इस थ्योरी से इतना पता चला कि इस तरह के नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं हुआ है। तो बायोजेनेसिस थ्योरी जो है ये क्या कहता है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, है ना। लाइफ का निर्माण जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुआ है, पहले से जो मूल जीवन था उसी से नए जीवन का निर्माण हुआ है। लेकिन ये भी साहब नहीं बता पाए कि सबसे पहले लाइफ कैसे आया, है ना। इस थ्योरी के लिए जो है, जो लोग थे इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया वो कौन लोग थे, एक थे फ्रांसिस्को रेडी, है ना, दूसरे व्यक्ति थे स्पाइलेन जेनी, और तीसरे थे लुईस पाश्चर, ठीक है। तो तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा इस थ्योरी में, पहले थे फ्रांसिस्को रेडी, दूसरे थे स्पाइलेन जेनी, और तीसरे थे लुईस पाश्चर। ये तीनों लोगों को समझते हैं, है ना, कि क्या क्या इनका मामला है, कैसे इन्होंने बताया इस थ्योरी के बारे में। सबसे पहले फ्रांसिस्को रेडी को लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया, फ्लेश लिया, फ्लेश मतलब मांस का टुकड़ा, और इसको कुकड कर दिया यानी कि पका दिया इसको, ठीक है। और पकाने के बाद क्या किया, तीन जार लिया इन्होंने, कितना, तीन, ये एक जार ऐसे लिया, ठीक दिख रहा है ना, ये दूसरा जार लिया ऐसे, और ये एक तीसरा जार ले लिया, कितना जार लिया इन्होंने, तीन, ठीक। तीनों जार में क्या किया कि वो मांस के टुकड़े को रख दिया, जो पका दिया था इन्होंने, टुकड़े को रख दिया। इसके बाद पहले जार को क्या किया, इसको पर्चमेंट मेम्ब्रेन से ढक दिया, कवर कर दिया, ठीक बढ़िया से। दूसरे को मसलिन क्लॉथ से ढक दिया, और तीसरे को जो है ओपन छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, ठीक। तो पहले को क्या किया, पर्चमेंट मेम्ब्रेन से ढक दिया, दूसरे को मसलिन क्लॉथ से ढक दिया, और तीसरे को क्या किया, ओपन खुला छोड़ दिया। अब ऑब्जर्वेशन लिया, अब यहाँ समझना है कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म डेवलप होना, अगर ऐसा सही था इस थ्योरी में जो चीज कहा गया है, तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाने चाहिए थे, है ना। लेकिन ये दोनों में से किसी में कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ, बहुत इसको लंबे समय तक छोड़ दिया, लेकिन ये मांस सड़ते रहा, कोई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो खुला हुआ था इसमें क्या हुआ, इसमें लार्वी दिखा, किस चीज का, फ्लाइज का, यानी कि मक्खियों का लार्वी, और उससे मक्खियां भी डेवलप हो रही थी, है ना। तो इन्होंने ये डिस्प्रूव किया कि नहीं नॉन लिविंग थिंग से लिविंग नहीं आ सकता है ना। अगर आता तो यहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते, बट ऐसा नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ है, इसका मतलब कहाँ से आया है, बाहर से आया है, बात समझ में आ रही है। तो ये था बायोजेनेसिस थ्योरी में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किनका, फ्रांसिस्को रेडी का। उसके बाद हम देखते हैं स्पाइलेन जेनी, स्पाइलेन जेनी ने भी कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया, क्या था उनके एक्सपेरिमेंट में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्पाइलेन जेनी ने जो थ्योरी दिया, उसने क्या किया, हे इन्फ्यूजन को उन्होंने बॉइल किया, है ना, किसने, स्पाइलेन जेनी ने, स्पाइलेन जेनी, इन्होंने क्या किया जी, फ्लास्क लिया, और फ्लास्क में क्या किया, हे इन्फ्यूजन को वाटर में, है ना, डिजोल्व करके, और इसको क्या किया, बॉइल किया, हीट किया, गर्म किया, और गर्म करने के बाद क्या किया, इसको सील कर दिया। तो गर्म करने से इसमें जो भी माइक्रोब्स होगा वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया होगा, है ना। उसके बाद सील कर दिया, सील करने के बाद बहुत दिन तक छोड़ दिया, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लिया, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, है ना, बॉयल्ड ही इन्फ्यूजन, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं मिला, वही क्या किया कि कॉर्क को रिमूव कर दिया, कॉर्क को क्या किया, कुछ समय बाद इस कॉर्क को जो है फ्लास्क लिया, वापस से हीट किया,
हिट करने के बाद जो है ये कॉर्क को नहीं लगाया इन्होंने, कॉर्क को खुला छोड़ दिया। तो खुला छोड़ने के बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद इसमें माइक्रोब्स उनको दिख जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स दिखते हैं इसमें नहीं दिखा, इसमें दिख गया, इसका मतलब क्या है, माइक्रोब्स बाहर से है। और आपको पता है कि एयर करेंट्स में, हवा में भी माइक्रोब्स होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो वो माइक्रोब्स जो है यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है वो कहाँ से आया, बाहर से आया, ना कि ये नॉन लिविंग थिंग से डेवलप हुआ था। ये भी डिसप्रूव करते हैं किसने, स्पाइलेजेनी ने। अब थर्ड जो कंट्रीब्यूशन है इसमें, वो कंट्रीब्यूशन किनका है वो भी देख लेते हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो है लुईस पास्टर का, और ये पूरी तरह से डिस्प्रूव करते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन या अबायोजेनेसिस को पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्प्रूव किसने किया, तो कंप्लीटली डिस्प्रूव किया है उसको लुईस पास्टर ने। लुईस पास्टर ने क्या किया थोड़ा सा ये भी देखते हैं, है ना। तो लुईस पास्टर ने एक इस तरीके का लॉन्ग नेक वाला फ्लास्क लिया, ठीक है, इस तरीके से, इस फ्लास्क का नेक क्या था, लंबा था, है ना। और इस इसको जो है वो बेंड कर दिया इन्होंने, हीट करके जो है इसको क्या किया, बेंड कर दिया, इसको मोड़ दिया। और मोड़ने से क्या हो गया, ये स्वान नेक के जैसा ऐसा हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये फ्लास्क है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, इसमें क्या क्या मटेरियल रखा भाई उन्होंने। तो पहले तो नेक को हीट करके ऐसे मोड़ दिया, और इसमें डाल दिया ईस्ट, ठीक है, और क्या डाल दिया, शुगर, और क्या डाल दिया इसमें, वाटर, पानी, है ना। तीनों को मिला करके इसमें क्या किया, पूरा हीट कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने से जो ईस्ट था वो क्या हो गया, मर गया, खत्म हो गया, है ना। और ईस्ट के मरने के साथ ही क्या हुआ, जब ये हीट होगा तो यहां से वेपर निकलेगा, आगे आएगा ये वेपर और आगे बढ़ेगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन जब इसको छोड़ देंगे वापस से ठंडा होगा तो क्या होगा, वाटर का ड्रॉपलेट, ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी, रहेगा ना डेवलप, लेकिन ये इसी जगह पे रहेगा, ये आगे मूव नहीं करेगा। इतना ज्यादा इसको ये कर दिया गया फ्लास्क को, ये आगे मूव नहीं करेगा। तो बहुत दिन बाद जब इसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो इस जगह पर कुछ माइक्रोब्स हैं डेवलप, इसको सील नहीं किया हुआ है, इस जगह पर कुछ माइक्रोब्स हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें किसी तरह का कोई माइक्रोब्स नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो जब इसको हीट किया गया तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट से डस्ट जो भी चीज है आकर के जमा हुआ, और यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स भी डेवलप हो गए, और ये बंद हो गया इस जगह पे, है ना। तो यहाँ पे थे ऑर्गेनिज्म, बट इसको अंदर का ऑब्जर्वेशन लिया गया तो अंदर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं थे, है ना। अब इसको ऐसे छोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो हटाने के बाद क्या होता है, जब इसको तोड़ दिया गया तो यहाँ पे जो ये सील हो गया था, क्लियर है, ये हट गया, तो यहाँ से माइक्रोब्स अंदर आए और माइक्रोब्स अंदर डेवलप हो गए। तो ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था, ये पूरी तरीके से प्रूफ किया कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप हो सकते। यहाँ पे सारे क्राइटेरिया, चूंकि शुगर है, वाटर है, ईस्ट है, मरा हुआ, तो ये सब चीज अगर हिट किया, सबको मिक्स किया, तो ये एक बड़ा सुटेबल कंडीशन डेवलप हो जाता है माइक्रोब्स को डेवलप होने के लिए। लेकिन फिर भी माइक्रोब्स डेवलप नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग थिंग से माइक्रोब्स का ओरिजिन नहीं होता है। तो ये थर्ड थ्योरी आपने देख लिया, बायोजेनेसिस। इसके बाद का जो थ्योरी है वो है पैन अस्पर्मिया, है ना, क्या है, पैन अस्पर्मिया, या इसको क्या कहते हैं, इसको कॉस, तो ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया ना, कॉस्मोजोइक थ्योरी भी इसको कह सकते हैं, बात समझ में आ रही है। या फिर इसका एक और नाम हो सकता है एक्स्ट्रा टेरिस्टियल, ठीक। इस थ्योरी के सपोर्ट में जो लोग थे वो क्या थे, रिक्टस, और कौन थे इसके, रिक्टर, सॉरी, और कौन थे, आर्हेनियस, ये दो लोग थे इस थ्योरी के सपोर्ट में, है ना। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया, इस थ्योरी में ये कहा गया कि अर्थ पर जो लाइफ है वो दूसरे प्लैनेट से है, है ना। तो लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर
किस फॉर्म में आए, स्पोर के फॉर्म में जो है लाइफ है वो दूसरे प्लैनेट से आया, क्योंकि जब यूनिवर्स इतना बड़ा है तो ये कौन गारंटी है कि दूसरे जगह पे भी लाइफ होंगे या नहीं होंगे। ऑफ कोर्स होंगे, जैसे अर्थ पे हो सकता है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल है ना। तो इनके अनुसार ये कहा गया कि दूसरे प्लैनेट से जो है वो स्पोर के रूप में लाइफ यहाँ पर आया और धीरे धीरे वो डेवलप कर गया, अलग अलग फॉर्म में विकसित हो गया। तो ये थे बहुत सारे ओल्ड थ्योरी। इसके बाद हम और आगे थ्योरी जानेंगे जो कि केमिकल इवोल्यूशन पे बेस्ड है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।